आज हम बात करने वाले हैं भारत का प्रमुख त्यौहार होली के बारे में। भारतवर्ष के अंदर दिवाली के पश्चात होली का त्यौहार मुख्य रूप से धूमधाम से मनाया जाता है, और रंगों वाली होली मनाते के समय आपको कौन से रंगों का उपयोग करना है जिसके चलते ये होली का जो आपका फेस्टिवल है आपके लिए काफ़ी फलदायी सिद्ध होगा। तो मैं राशि विशेष के अनुसार रंगों का नाम बताने जा रहा हूँ। यदि आप होली के त्यौहार के दौरान उस रंगों का प्रयोग होली खेलने में करते हो तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। धनु राशि वाले जातक लाल रंग का प्रयोग करते हैं, पीले रंग का प्रयोग करते हैं, पानी से खेलते हैं, सफ़ेद रंग का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। दोस्तों, रंगों वाली होली खेलते समय हमें पानी का ही विशेष प्रयोग करना चाहिए। यदि आप रंगों का प्रयोग कर रहे हो तो नैसर्गिक कलर का अधिक मात्रा में प्रयोग करिए, जैसे कि कुछ जो पुष्प होते हैं जो उनका जो उसमें से कलर निकाल के केसुड़े नामक वृक्ष आता है उसके कलर निकाल के पलाश के जो पुष्प आते पर्ण आते हैं उसके रंगों का प्रयोग यदि करते हो तो नैसर्गिक कलर माने जाते हैं, और वो कलर का प्रयोग करने से आपकी जो स्किन हो वो भी अच्छी हो सकती है। अगर केमिकल युक्त कलर का प्रयोग थोड़ा आपको परहेज करना चाहिए। कई बार कुछ व्यक्तियों को कुछ त्वचा की बीमारी या उसका परहेज या उनकी एलर्जी होने के चलते उनको शारीरिक नुकसान भी हो सकता है, तो आपको रंगों वाली खेली ये होली का जो खुशियों का त्यौहार वो खेलते समय आपसे ही अनायासी किसी का नुकसान ना हो जाए इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आने वाली होली के बारे में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आने वाली होली आपके जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य और सफलता लेके आए। ऐसी मेरी ओर से आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं।